अतिथि गोकू अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े ही बहादुरी से पिकोलो की असिस्टेंट से लड़ता है और वो सभी मिलकर उसे हरा देते हैं और उसका ड्रैगन बॉल हासिल भी कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर गर्ल्स का एक फाइटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा था। दरअसल गोकू अपने कॉलेज की जिस चीची नाम की लड़की से प्यार करता था उसने भी उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि चीची के साथ लड़ने वाली फाइटर कोई और नहीं बल्कि डीमन पिकोलो की असिस्टेंट ही थी। अब क्योंकि चीची एक बेहतरीन फाइटर थी इसलिए वो फाइटिंग के दौरान पूरी तरह से पिकोलो की असिस्टेंट पर हावी थी, लेकिन उस फाइट के दौरान पिकोलो की असिस्टेंट बड़े ही चालाकी से चीची की बॉडी के ऊपर एक कट लगाकर उसका ब्लड सैंपल हासिल करके वहाँ से निकल जाती है। दरअसल वो उसी के लिए वहाँ पर आई थी। मैच खत्म होने के बाद चीची गोकू से मिलकर बहुत खुश थी। गोकू उसे भी बता देता है कि वो अपने साथियों के साथ ड्रैगन बॉल को हासिल करने के मिशन पर निकला है, क्योंकि अगर उन्होंने सूर्य ग्रहण से पहले सारे ड्रैगन बॉल हासिल करके डेमन पिकोलो को नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसकी बात सुनकर चीची भी